नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार पांचानी राजकोट इंजीनियरिंग एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी हूं। राजकोट इंजीनियरिंग एसोसिएशन जो कि ऑल ओवर इंडिया में बहुत प्रचलित है, इसकी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ के रिलेशन से और अपनी कॉमन फैसिलिटीज़ के हिसाब से राजकोट इंजीनियरिंग एसोसिएशन बहुत सारी खूबियाँ है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है और इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए मिनिस्ट्री के साथ में बहुत ज़्यादा प्रयत्न करते हैं। हमारे प्रेसिडेंट साहब परेश भाई वासानी भी इसके लिए बहुत ही आगे आते हैं और इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए बहुत ही एक तरीके से आगे आने का प्रयत्न करवाते हैं। हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स 1000 से ज़्यादा है और अगर नीचे जो एसोसिएशन से वो मिला के हम करेंगे तो टोटल इंडस्ट्रीज़ हमारे नीचे 4,000 से 5,000 इंडस्ट्रीज़ हमारे नीचे आती है। राजकोट इंजीनियरिंग एसोसिएशन इटसेल्फ एक बहुत ही बड़ा नाम है यहाँ से दिल्ली और ऑल ओवर इंडिया में इंजीनियरिंग गुड्स के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत प्रचलित है। हमारे पास एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर है जो भी बहुत बड़ा है, जिसके पंप टेस्टिंग वगैरह जिसको करना है IAS स्टैंडर्ड्स के हिसाब से गवर्नमेंट की ग्रांट के साथ में हमने ये बनाया है और ये गुजरात में एक ही ऐसा सेंटर है कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज है, जिसका ओपनिंग भी हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर आनंदीबेन पटेल ने किया था। राजकोट इंजीनियरिंग एसोसिएशन जो एक तरीके से जो इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है, सपोज कोई ISO लेना है तो इसके रिगार्डिंग करते हैं, एडवाइजरी करते हैं गवर्नमेंट की। यहाँ बहुत से ज़्यादा MSMEs है तो MSMEs को डेवलप करने के लिए जो गुजरात गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है, मार्केट डेवलपमेंट या ISO सर्टिफिकेशन या इंटरेस्ट सब्सिडीज जो भी है, इसके रिलेटेड हमारे पास हमारा खुद का सेल है और हम हर एक एंटरप्रेन्योर को इसके लिए एडवाइजरी बोर्ड हम लोग करते हैं। हम लोग हमारे एसोसिएशन को अभी हमारा टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना और मार्केट रिसर्च हमारा मेनली एजेंडा है। गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ जो है जिसका कोई यूज़ नहीं है, मतलब सिर्फ ऐसे ही है कि पॉलिसी पुरानी तरीके से चली आ रही है, उसको रिमूव करने की और छोटे उद्योगकार को आगे ले जाने की, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, इसका हमारा प्रयत्न है। 5 साल के अंदर हम सोच रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज काफ़ी बड़ा स्वरूप ले ले, जो छोटे हैं वो मीडियम सेगमेंट तक आ जाए या इसका व्याप बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए, इंटरनेशनली हमारा मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, तो इसके लिए हमारी कोशिश लगातार प्रयास चालू रहते हैं। Engiexpo को मैं करीबन बहुत टाइम से जानता हूँ, अहमदाबाद में भी वो एक दो एग्जीबिशन में उसके विजिट कर चुका हूँ और उसके जो डायरेक्टर है उसके साथ भी मेरे अच्छी मीटिंग है। उसने एसोसिएशन के साथ हमारा एक मीटिंग भी किया था कि आप भी हमें सपोर्ट करें और राजकोट इंजीनियरिंग एसोसिएशन के मेंबर्स को उसके डिस्काउंट रेट्स में भी स्टॉल्स ऑफर किए और बहुत से लोग ने इसके बेनिफिट्स ही लिए। मैं समझता हूँ Engiexpo राजकोट के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और राजकोट के इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी लिए और उसके लिए मैं उसको पर्सनली थैंक्स कहूँगा कि उसने ये राजकोट को अपॉर्चुनिटी दी और स्पेशली राजकोट इंजीनियरिंग को भी ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू वेरी मच Engiexpo के लिए और राजकोट इंजीनियरिंग एसोसिएशन, हमारे प्रमुख श्री परेश भाई भाषाणी भी आप सबका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।